हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज फिर हम लोग कॉरपोरेट डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ठीक है, शायद आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे मैंने लिखवा दिया हूँ कॉरपोरेट डायरेक्ट टैक्सेशन है जो चैप्टर नंबर 2 है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये आपको चैप्टर चैप्टर 2 है कॉरपोरेट डायरेक्ट टैक्सेशन का। तो आज देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पिछले क्लास में लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था 7 और 8 नंबर क्वेश्चन पे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहा था जो बिजनेस से रिलेटेड था। बट आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल गेन से रिलेटेड है। तो मैं पहले कैपिटल गेन में कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ। देखेंगे, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैपिटल गेन में फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्मेट, एक छोटा सा फॉर्मेट में बना रहा हूँ, इस तरह से होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, अमाउंट है यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स। अब देखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूँगा जो नेट कंसिडरेशन होता है, जो सेल्स वैल्यू होता है, ठीक ना। इसमें मैं पहले मैं लिखूँगा सेल्स या कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होगा जो भी अमाउंट होगा। कंसिडरेशन बोलूँ तो सेल वैल्यू, मतलब जितना मैं प्रॉपर्टी को सोल्ड कर रहा है, इसमें से मैं लेस कर दूंगा लेस एक्सपेंस ऑन सेल। मैंने जो प्रॉपर्टी को बेचा उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा, जैसे ब्रोकरेज होगा, कमीशन होगा या कोई अदर एक्सपेंसेज होगा, क्योंकि हम कोई प्रॉपर्टी को जब सोल्ड करते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेंसेज होती है, तो वो एक्सपेंस को हम घटा देंगे। क्योंकि हम अगर कोई भी प्रॉपर्टी का 10 लाख में बेचे, उसको बेचने में 1 लाख रुपया खर्च हुआ, तो मोटा मोटी 9 लाख ही तो हमको आ रहा है ना, इसलिए मैं उसको एक्सपेंस को लेस कर देता हूँ, लेस एक्सपेंस ऑन सेल। जो भी अमाउंट रहेगा इसको मैं यहाँ से डिडक्ट कर दूंगा। ये जो अमाउंट आएगा निकल का, इसको मैं बोलूँगा नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन, इसी को भी नेट सेल में बोलूँगा। अब उसमें से लिस्ट करूँगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये जो अमाउंट आपको निकल के आएगा, ये आएगा गेन, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ। उसके बाद मैं इसमें से लिस्ट करूँगा एग्जेम्पशन,
एग्जेम्पशन ही कह सकते हैं। अंडर सेक्शन, इसमें सेक्शन आती है 54 बी, उसके बाद होगा अंडर सेक्शन 54 एफ, 54 ई सी, उसके बाद होगा 54 डी, 54 जी और 54 जी ए। ये लिस्ट कर दूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा टैक्सेबल कैपिटल गेन। मतलब ये कैपिटल गेन का वो अमाउंट आएगा जिस पर टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे मेन बेसिक चीज़ हम लोग को समझना क्या है कि जो अंडर सेक्शन 54 है, 54 बी है, 54 बी है, 54 डी है, ये समझना है। इस चैप्टर में मेन मुद्दा है, ठीक है ना। पॉइंट वन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग को समझना पड़ता है। जैसे देखिए, पहले समझिए उसके बाद नोट करेंगे आप लोग। देखिए, इंडेक्सेशन क्या चीज़ है। जैसे मान कर चलिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, ठीक ना, तो वो बिल्डिंग जो आज हम बेच रहे हैं जिस बिल्डिंग को, तो हो सकता है आज से 100 साल पहले हम परचेज किए होंगे। अब खुद सोचिए, अगर 100 साल पहले जिस बिल्डिंग को मान कर चलिए कोई शहर में है, अभी उसको 1 करोड़ रुपया में हम बेच रहे हैं ज़मीन को, मान कर चलिए ज़मीन उस पर बिल्डिंग भी बना हुआ, या मान कर चलिए ज़मीन, क्योंकि शहर का ज़मीन 1 करोड़ रुपया, 50 लाख 60 लाख तो आम बात है। लेकिन आज से हम 100 वर्ष पहले की बात करें, तो वो ज़मीन हम लिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया, इससे ज़्यादा होगा या 2000 होगा क्या। तो खुद सोचे, 1 करोड़ से उसका कॉस्ट 2000 लेस करेंगे तो लगभग टोटल पे तो टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो क्या होता था, एसएससी को नुकसान होता था। एसएससी मतलब जो टैक्स पेमेंट करना है, टैक्स पेयर को लॉस होता था। तो जितने भी टैक्स पेयर है, वो डिपार्टमेंट को जाकर के नोटिस दिया टैक्स डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट जी, आप ये बताइए कि हमने जिस प्रॉपर्टी को 100 साल पहले लिया था 2000 में, आज उसी प्रॉपर्टी को मैं 1 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो आप ये बताइए कि आज से 100 साल पहले 2000 का वैल्यू भी तो उतना ही था। सोचने वाली बात है, क्योंकि आज से 100 साल पहले जाइएगा तो 2000 का बहुत बड़ा वैल्यू था क्या। 100 का नोट हमको लगता है देखने को मिलता नहीं होगा क्या 100 साल पहले। उस समय 1 पैसे 2 पैसे, 1 आना 2 आना चला करता था क्या। कॉल आ रहा क्या? ओ ठीक आ रहा है सब, यहाँ तक आ रहा होगा। तो इस तरह से सिचुएशन थी। तो इसलिए क्या आ गया, डिपार्टमेंट भी सोचा कि नहीं, जो एसएससी हम लोग को जो बोल रहा है वो अच्छा बोल रहा है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि वो जो उस समय जो परचेज किया सो, उसका प्राइस को कन्वर्ट कर दिया जाता, कन्वर्सन कर दिया जाता करेंट प्राइस में। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा कि जिस ईयर में वो प्रॉपर्टी परचेज किया होगा उस ईयर से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। मान कर चलिए वो प्रॉपर्टी 1990 में परचेज किया गया, यानी कि 2005 लीजिए एग्जाम्पल, 2005 में परचेज किया, तो 2005 में उसको बेच लेंगे कि कितना रहा होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक ना। और अभी अगर 2021 में जाकर के हम उस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर रहे हैं, तो 2021 का जो इंडेक्स जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। अल्टीमेटली क्या समझे, जितना में आप परचेज किए हैं उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे करेंट ईयर का कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन से, इंडेक्स प्राइस है जो अभी चल रहा है, और डिवाइड किससे करेंगे, जब हम परचेज किए थे, मतलब बेस ईयर वही। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग कोई बिल्डिंग या प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो बीच में क्या होता है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें भी इंडेक्सेशन से हमेशा याद रखेंगे, जब भी इंडेक्सेशन लगेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, शॉर्ट टर्म पे नहीं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है क्या होगा, लॉन्ग टर्म मतलब जो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होगा, यानी कि 36 माह से ज़्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी को होल्ड किए तो लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 36 माह से विदिन अगर आप मतलब कि उस प्रॉपर्टी को रखे और सोल्ड कर दिए हैं, तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म। तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
ठीक है। अगर कोई फिनेंशियल स्टेट है, एसेट्स है, जैसे कि देखिएगा इंडेक्सेशन जो अप्लाई होगा ओनली लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना, क्या होगा कैपिटल गेन जो होगा, कैपिटल गेन जो है सब तो सीधा रहा है, कैपिटल गेन में क्या है, पहला है एक लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दूसरा है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक ना, ये हमेशा याद रखेंगे, होल्ड है, होल्ड मोर देन 36 मंथ, ठीक ना, और ये है होल्ड लेस देन 36 मंथ। अगर कोई प्रॉपर्टी लिए और 36 महीना के अंदर ही सोल्ड कर दिए तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगती है, ठीक ना। अगर आप जिस प्रॉपर्टी को परचे किए और 36 महीना बाद सोल्ड करेंगे तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट फाइनेंशियल एसेट्स में याद रखेंगे 36 महीना के जगह पे क्या होता है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स 12 मंथ, मतलब दोनों में अप्लाई होगा 12 महीना, मतलब 36 के जगह पे 12 महीना। फाइनेंशियल एसेट्स बोले तो कोई शेयर्स वगैरह अगर आप उसको ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेलिंग और परचेज कर रहे हैं, तो अगर कोई शेयर को विद इन 12 मंथ में बेच दे रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, अगर वो 12 मंथ से एवम में बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में अप्लाई होगा, समझ गए ना। यहाँ जैसे 36 है, 36 के ऊपर 12, ये याद रखेंगे किस में, फाइनेंशियल एसेट्स में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंडेक्सेशन कैसे निकलेगा वो भी समझ गए कि इंडेक्सेशन के लिए क्या है, करेंट ईयर के इंडेक्स प्राइस से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करेंगे जिस ईयर में वो एक्विजिशन हुआ है, मतलब परचेज हुआ है, परचेज के ईयर का जो इंडेक्सेशन होगा उससे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अब फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग को देखिए इस चैप्टर में समझना क्या है मेन मुद्दा, ये सेक्शन, ये मेन चीज़ है, ठीक ना। तो देखेंगे सेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि सेक्शन को कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कौन सेक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले है आपको 54 बी है, यहाँ पे आते हैं, ये जो डिडक्शन है कैपिटल गेन में 54 है, 54 बी है, 54 डी है, 54 ई सी है, 54 एफ है, 54 जी है, 54 जी है, ठीक ना, और है लेकिन हम लोग को इतना ही का यूज है। आप समझेंगे 54 कहाँ अप्लाई होता है, हम लोग एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज कर रहे हैं, ठीक ना। आप देखेंगे 54 में क्या है, अगर कोई एसएससी, ठीक ना, अगर कोई एसएससी रेसिडेंशियल हाउस को सोल्ड कर रहा है, ठीक ना, और उससे कैपिटल गेन अराइज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, वो रेसिडेंशियल हाउस में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक ना, या तो उस रेसिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्शन करेगा या उस रेसिडेंशियल हाउस को क्या करेगा, परचेज करेगा, तो उसको उतना से डिडक्शन मिलेगा। जैसे एक लेमन भाषा में बोले कि मान कर चलिए, जनरली पर्सन को देखिए क्या कि मान कर चलिए हम भागलपुर में रह रहे हैं, क्या फिलहाल में हम भागलपुर अपना जब तक है तब तक अपना ज़मीन ले लिए, बिल्डिंग बना लिए, अपना यहाँ रह रहे हैं, फिर 20 साल 30 साल के बाद मेरा यहाँ से कहीं दूसरे जगह अपने घर की ओर चला हम चले गए, मेरा इच्छा क्या कि नहीं हम यहाँ के ज़मीन नहीं रखेंगे, बिल्डिंग नहीं, तो क्या करेंगे हम बेच लेंगे जैसे, तो क्या होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा, डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट आएगा मेरे सामने खड़े हो जाएगा, भाई टैक्स कौन देगा, तो टैक्स कौन देगा,
तो ये तो भाई समस्या है, टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब परचेज किया होगा और बनवाया होगा बिल्डिंग उस समय कम दाम रहेगा, बाद में बेचेंगे तो ज़्यादा दाम होगा, तो ऑब्वियसली कि प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे, और 20% से कैपिटल गेन में टैक्सेशन भी देनी पड़ती है। जबकि हम बेचे थे किस लिए, कि यहाँ से बेचते हैं और अपने घर के उधर फिर बिल्डिंग परचेज करेंगे या बनवा लेते हैं ज़मीन परचेज करके, इसलिए किए थे। अब हमको तो टेंशन हो जाएगा कि भाई अब तो इसमें टैक्स भी देना पड़ जाएगा, तो डिपार्टमेंट को हम बोलेंगे कि भाई हमने तो वहाँ जो बेचा है इसलिए बेचा है कि हम अपने घर पे फिर उस ज़मीन को परचेज करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, हम इसलिए वो ज़मीन बेचे हैं, आप हमसे टैक्स ले लोगे तब तो हमारे पास पैसे ही घर जाए। तो डिपार्टमेंट कहे नहीं भाई तो ठीक है, मतलब ये कि आप एक जगह कोई घर बेच रहे हैं या बिल्डिंग बेच करके इनकम अर्निंग कर रहे हैं, या फिर वही पैसे को दूसरे जगह बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो आपको टैक्स से छूट मिल जाएगा। कब? रेसिडेंशियल, ये नहीं कि भाड़े पे लगाने के लिए रहे, ये नहीं कि यहाँ से बेच लिए और आपको ऑलरेडी दो चार को घर है बिल्डिंग और फिर आप बनवा करके भाड़े पे लाए, तो नहीं ऐसा होगा, तो कोई टैक्स ही नहीं देगा डेली वो परचेज, चूँकि जिसका बिजनेस ही है बिल्डिंग को भाड़ा पे लाए, तो अक्सर ये ऐसा करता है, परचेज करे परचेज और सेल करते रहता है, ठीक ना। तो क्या समझे कि रेसिडेंशियल हाउस, ठीक ना, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल, दिखा दे रहे यहाँ तक दिखा दे रहे, ठीक है, वाइट आ रहा है ऊपर से रोशनी आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पर रोशनी आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस एंड इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस, समझ रहे बात को, यानी कि ये होगा कि हम क्या करेंगे, अगर कोई कहता है कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ऑन द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस एंड इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस, कैपिटल गेन अराइज किए रेसिडेंशियल हाउस में और रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किए, मतलब ये या तो रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया बनवा लिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 54 में, ठीक ना। 54 बी में क्या है, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर आ रहा है आप देखिए तो, एग्रीकल्चर लैंड एंड इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर लैंड, समझ रहे बात को, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड, ठीक ना, अगर कहता है कैपिटल गेन अराइज किए ऑन द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, आप कोई एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन अराइज किए, ठीक ना, और फिर आप क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में ही ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, तो आपको क्या होगा, उतना से छूट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखना क्या है कि ये एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में नहीं होनी चाहिए, अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया का यहाँ पर सेंस है कि ये
जो जहाँ पर बेचेंगे उसका पॉपुलेशन, उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना, आपको शॉर्टकट में यही याद रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे, कहानी तो बहुत है इसमें, ठीक ना। तो उसको बोला जाए, लेकिन ये याद रखिएगा ये लैंड होना चाहिए एग्रीकल्चर, चूँकि रूरल एरिया पे जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उस पर टैक्स से एग्जेम्पशन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब टैक्स से एग्जेम्पशन ही हो जाएगा तो फिर इस पर डिडक्शन किस बात की होगी, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। अब आएंगे हम लोग 54D में। अब देखिए यहाँ पे कहता है कंपल्सरी एक्विजिशन, ठीक ना, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, खोल दिए गेट, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ऑफ इंडस्ट्रियल, गेट ऑफ लगा दिया है, ऑफ इंडस्ट्रियल अंडर टेकिंग। आप देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर कोई लैंड और बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाता है किसके किसके द्वारा, कोई गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक ना, तो उसको बोला जाता है 54D में डिडक्शन मिलती है, ठीक ना, समझ रहे हैं बात को। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब अगर कोई गवर्नमेंट, ठीक ना, लैंड और बिल्डिंग को एक्वायर कर लेती है, जैसे कि देखेंगे कि कोई रोड वगैरह बनती है या गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाती है तो गवर्नमेंट उस भूमि को एक्वायर कर लेती है, उसी को बोला जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन। तो क्या होती है कि गवर्नमेंट उस पर्सन को SSC को कंपनसेशन देता है, मतलब क्षतिपूर्ति के लिए पैसा, क्योंकि आपका भूमि एक्वायर किया गवर्नमेंट क्या, तो भूमि एक्वायर किया तो उसके बदले में तो आपको कुछ पैसा देगी गवर्नमेंट क्या, तो वो जो पैसा देगी आपके लिए इनकम हुआ और फिर आप लैंड और बिल्डिंग में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, उतना सबको डिडक्शन मिलेंगे, उतना सबको छूट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको बोला जाता है 54D। उसके बाद देखेंगे 54F है। 54F में क्या कहता है वो जरा देखिए, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ, कहता है कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, यहाँ पे ये डिनोट करना है पॉइंट, एक्सेप्ट क्या है, रेसिडेंशियल हाउस, ठीक ना। फिर कहता है इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस, बातों को समझिए। यहाँ पे कहता है आप यदि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र किए,
ठीक ना, और उससे कैपिटल गेन अराइज किए लेकिन रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके, और फिर आप रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, तो आपको 54F के अंतर्गत डिडक्शन होगा। मतलब ये समझिए अपने भाषा में, चूँकि हर जगह अपने भाषा को जब तक इंक्लूड नहीं कीजिए तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि घर बनाना तो सभी के लिए कंपलसरी है और सबको इच्छा होता है कि हम एक अच्छा सा घर बनाएं, लेकिन क्या होता है हम लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है, इसके वजह से थोड़ा लेट करते हैं। देखते हैं पैसे नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ज़मीन बेच लेते हैं। क्या कुछ हो सकता है किसी से कोई दूसरा प्रॉपर्टी, मान कर चलिए ज्वेलरी है उसको सोल्ड कर दे रहे हैं, या कोई अन्य जो भी मूल्यवान जो वैल्यूबल गुड्स है उसको सोल्ड करके पैसे इकट्ठा करते हैं और बिल्डिंग बना लेते हैं। तो इसलिए देखिए क्या कहता है, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, मतलब कोई अन्य लॉन्ग टर्म एसेट्स को सोल्ड किए सिर्फ घर को छोड़ करके और फिर घर में ही इन्वेस्टमेंट कर देना है, तो आपको अंडर सेक्शन 54F के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। यहाँ और यहाँ में याद रखिएगा दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है और अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठता है, यहाँ और ये दोनों लगभग सिमिलर है। यहाँ डिफरेंस क्या है सो देखिए, यहाँ कहता है कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस एंड इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस। यहाँ पर क्या था कि यदि कोई एसएससी रेसिडेंशियल हाउस ही सोल्ड करेगा उससे कैपिटल गेन अराइज करेगा और फिर रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा, 54 में डिडक्शन मिलेगा। यहाँ क्या है, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर कोई अन्य दूसरे प्रॉपर्टी बेच करके और रेसिडेंशियल हाउस बनाता है या परचेज करता है उसको ये डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे बात को, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलती है, ये बताएंगे प्रोपोर्शनेट कैसे निकलती है जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब देखेंगे 54EC में, अब आएंगे आपको 54EC अंडर सेक्शन 54EC, एकदम मज़ेदार ये टॉपिक है और काफ़ी भीवी आए हैं। जब तक हम लोग टैक्स पढ़ेंगे इस डिडक्शन का जान छूटने का नहीं है, हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे वहाँ पे भी ये मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग को क्या है टैक्स है, वहाँ पर टैक्स क्या है, इनकम टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करके है सिलेबस, ठीक ना। आप देखिए 54EC क्या कहता है, कैपिटल गेन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स एंड इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। यहाँ पर समझिएगा 54EC का था कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। जब आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन अराइज करेंगे और फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, और इन्वेस्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब है यदि आप कोई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए, रिडीमेबल आफ्टर 5th ईयर, वैसा बॉन्ड होना चाहिए कि 5 साल के बाद ही रिडीम होने चाहिए। और वो बॉन्ड में एक और कंडीशन है कि वो इश्यू होना चाहिए किसके थ्रू, NHAI के थ्रू, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू होनी चाहिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये होना चाहिए, ये जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड इशूड बाय NHAI रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसके थ्रू इशूड होना चाहिए या ऑथराइज होना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया 54EC के अकॉर्डिंग, पहले आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छे से देखेंगे ताकि कहीं पे किसी,
कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन टीआर मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एंड इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस, ठीक ना। उसके बाद आएंगे हम लोग, इधर का मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ से भी ले लीजिएगा बाद में स्क्रीनशॉट, ऑप्शन तो ये, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो भी वीडियो को देखते होंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो वॉच करते हैं सभी लोग, जो भी है पता चलता है यहाँ पर इतना पर्सन देखा, बट थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा कि कौन कौन पर्सन देख रहे हैं, जो जिसको मैं जान रहा हूँ उसको बारे में तो जान सकता हूँ ये देख रहे हैं, और अदर तो जो देखते हैं वो तो देखता ही है, उनको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन जो कम से कम अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, अपने इंस्टीट्यूशन से जो जुड़े हुए हैं वो लोग प्लीज़ मैसेज कर देंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कौन कौन सा देख रहे हैं, और इवेन कि जिनको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे एक लड़की थी वो बार बार पूछती है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, वो बोली थी सर कैपिटल गेन से रिलेटेड आप करवाइएगा क्वेश्चन, तो ऐसे वो बोली थी तो हम करवा रहे हैं, और ऐसे भी कैपिटल गेन से रिलेटेड बनाना ही था क्योंकि PGBP एंड हो गई थी, ठीक ना। इन द सेम वे आप लोग भी विदाउट हेजिटेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ भी दिक्कत होगा तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं तो बताना थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ तक हम लोग समझ गए 54EC तक, ठीक है। थोड़ा मैं मार्कर भर ले रहा हूँ चूँकि ये आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे सेक्शन, फिफ्टी फोर डी हो गया, 54F हो गया, 54 अब आएगा अंडर सेक्शन 54G। यहाँ पे कहता है कैपिटल यहाँ पे जो कैपिटल गेन होगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का है, शिफ्ट करेगा इंडस्ट्रियल शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल, एरिया टू रूरल एरिया, यानी कि कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है शिफ्ट होती है अर्बन एरिया से रूरल एरिया, तो वहाँ पे 54G का डायरेक्शन, जैसे आप देखे होंगे बहुत पहले सुने होंगे, जैसे दिल्ली में जो भी इंडस्ट्री था गवर्नमेंट ने प्लान दिया था कि नहीं भाई अब दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप गुड़गांव में सब बिल्डिंग ये ले करके जाओ इंडस्ट्रीज को, तो वहाँ पे क्या होगा वो जो इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अपना लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को सोल्ड क्या होगा और फिर दूसरे जगह शिफ्ट क्या होगा परचेज क्या होगा उतना से उसको डायरेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद क्या है अंडर सेक्शन आपको है अंडर सेक्शन 54GA है, इसमें भी है शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कहता है शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक ना, फ्रॉम एनी प्लेस
टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई भी एरिया से अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो उसको इसके अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब देखेंगे, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। शायद आप देख पा रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे कहता है वन बिल्डिंग्स विच वाज परचेज इन 2010 ऑफ एक्स लिमिटेड एन ए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इट्स WDB। देखिए यहाँ पे कहता है कंपल्सरी एक्विजिशन। ओ माय गॉड सर, ये तो आ गया 54D के अकॉर्डिंग। हाँ एकदम, देखिए जो मैंने लिखाया था डिडक्शन उसमें जाकर के मैच कीजिए कि कंपल्सरी एक्विजिशन किस में आ रहा है, तो अंडर सेक्शन 54D में देखिएगा, जरा 54D में आता होगा। ठीक ना, जो अभी हम लिखा है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इट्स WDB ऑन कहता 1 अप्रैल 2018 वाज कहता 350,000। द यूपी गवर्नमेंट पेड 6 लाख ऑन 25 मई 2018 एज ए कंपनसेशन। यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 लाख रुपया उसको कंपनसेशन पेड कर दिया। द कंपनी परचेज अनदर बिल्डिंग फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर कहता 2 लाख ऑन 20 अप्रैल 2019। डिटरमिन द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54D एंड टैक्सेबल कहता कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर इतना इतना। ठीक ना, ओ माई गॉड सर, यहाँ पर तो सेक्शन भी दे दिया सर, तब तो हम लोग को याद रखना ना पड़ेगा। हाँ यहाँ सेक्शन दे दिया लेकिन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको डिडक्शन लिख ही देगा कि 54D है, लेकिन 54D देखने से पहले ही हम लोग समझ चुके थे क्या 54D के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट तो सेम होगा इसलिए मैं फॉर्मेट को मिटाया नहीं हूँ, मैं इसको इस तरह कुछ ड्रॉ करूँगा। शायद यहाँ पर लाइट आ रहा है ना, थोड़ा मैं इधर लिखूँगा, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, भोला वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले एक माइंड में फॉर्मेट लाएंगे, ये फॉर्मेट को जैसे कैपिटल गेन का क्वेश्चन होगा तो पहले इस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट पार्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब ये डिसाइड करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। देखिए यहाँ पे कहता है ये भूमि को परचे किया गया था 2010 में, नहीं इसका अपलिखित मूल्य कहता है 2018 को इतना था, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी क्षतिपूर्ति की राशि इतना मई को दिया। तो देखिए रिटेन्ड ऑन वैल्यू जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो शॉर्ट टर्म में भी है। ठीक ना, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखें। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन है, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यूपी गवर्नमेंट कितना दिया, 6 लाख दिया। अब बोलिए कि सर ये तो सेल वैल्यू नहीं था, कॉन्सेंट्रेशन सेल को बोलते हैं, इसी चीज़ को पहले समझिए। सेल का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बेचेंगे तो हुआ, कोई भी क्षतिपूर्ति मान कर चले आपको सामान हम ले लिए और उतना पैसा दे दिए, एक तरह से बेचना ही हुआ। आप नहीं बेचे हैं, हम ही ले लिए, आपको पैसा दे दिया अपने से भी बेचना ही हुआ। ठीक है, या आपको कॉपी हम लिए उस कॉपी के जगह पे हम दूसरे कॉपी दे दिए ये भी बेचना ही हुआ, बस पैसे नहीं दे करके क्या हुआ कुछ गुड्स दिए, बात समझे। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कैपिटल गेन में ट्रांसफ़र और कंसीडरेशन लिखा गया। कंसीडरेशन का मतलब ही होता है टैक्सेशन में हम लोग पढ़े हुए थे समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ के बदले कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि बेचेगा वही, कंपनसेशन दिया वो भी बिक्री ही हुआ, ये हुआ। लेस करेंगे एक्सपेंस ऑन
सेल, ये मेरे समझ से नील है, ये हो गया 6 लाख, ये हो गया हम लोग को नेट कंसीडरेशन। ठीक है, अब लेस होगा, जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है उस पे इंडेक्सेशन नहीं करनी है, रिटेन डाउन वैल्यू को लेस कर दिया जाता है, जो कॉस्ट उसका हुआ, लेस रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, रिटेन डाउन वैल्यू एसेट्स का कितना था वो देखते हैं हम, रिटेन डाउन वैल्यू आपको उस एसेट्स का इतना ना कितना था, अपलिखित मूल्य था 3,50,000 था, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन 1/4/2018 का था 3,50,000, ये लेस करें कितना होगा 2.5 लाख हुआ ना, ये कहलाया गेन या कैपिटल गेन बोल सकते हैं, लेस होगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D कंपल्सरी एक्विजिशन बाय यूपी गवर्नमेंट। कितना है दूसरा जो बिल्डिंग खरीदे थे, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय यूपी गवर्नमेंट एंड अनदर बिल्डिंग परचेज कितना 2 लाख का, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओ माय गॉड, कितना आसान क्वेश्चन था, हाँ एकदम मजेदार क्वेश्चन है, कुछ थोड़ी ना करना है हम लोग को, कॉपी और पेस्ट, यहाँ थोड़ी ना अकाउंटेंसी है जब हम लोग मुनिमगिरी करेंगे, यहाँ पर तो टैक्सेशन है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट। हाँ सर मुझे भी मजा आ रहा है, एकदम मजा आएगा, इसलिए कि क्वेश्चन ही ऐसा आकर के कुछ है, पहले ही हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने में अच्छा लगेगा ही। ठीक है, आई होप कि आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे। सर कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख के कुछ और करवाओ ना, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगे बनाने, एकदम हम अच्छा ही क्वेश्चन एक और ढूंढते हैं और आप लोग को क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे तो मेरे समझ से 9-10 सब तो ठीक ही क्वेश्चन, इसमें दो ही कैपिटल गेन्स रिलेटेड क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं 10 नंबर क्वेश्चन करवा ही दे रहा हूँ ताकि चैप्टर का कैपिटल गेन्स रिलेटेड झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आप लोग को स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का, देखेंगे शायद आप लोग देख रहे होंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, इसका मैं इंग्लिश भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए इंग्लिश में यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है सर समझ गया, अब आगे बढ़ो। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आज तो मुझे बच्चे के ही अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, हाँ सर आप सही बोले हो ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ सर आज आप बच्चे के ही अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। हाँ सर ठीक है, बता दो क्वेश्चन नंबर 10, ताकि कैपिटल गेन का जो झंझट है वो झंझट ही एंड हो जाएगा। ठीक है मैं बता ही दे रहा हूँ, आप देखेंगे
क्वेश्चन मैं पहले स्टडीज करता हूँ और आप लोग के पास चला भी गया होगा स्क्रीनशॉट, आप लोग भी अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। एक्स वाई कंपनी रनिंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाज ऑर्डर्ड बाय सिटी कॉरपोरेशन चेन्नई टू शिफ्ट द यूनिट फ्रॉम अर्बन एरिया ऑफ चेन्नई। ओ माय गॉड सर, आपने जो लिखाया था अंडर सेक्शन 54 जी, हमें तो लगता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ एकदम उसी से, क्योंकि मैंने लिखाया था 54 जी में क्या होगा, कोई अर्बन एरिया से रूरल एरिया में, ठीक ना, कोई इंडस्ट्री अंडरटेकिंग अगर शिफ्ट होती है तो वो चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे किसी प्रकार के, यहाँ तक हम लोग को किसी प्रकार का लेकिन परंतु है नहीं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे द कंपनी शिफ्टेड द कंसर्न ड्यूरिंग 2018 और 19 एंड इन द प्रोसेस सोल्ड सम ऑफ द कहता है एसेट्स हुज डिटेल्स आर एज गिवेन, ठीक ना। एसेट्स में कहता है प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड और बिल्डिंग है, ठीक ना, ये दिया है। सेल प्रोसीड्स है, रिटर्न ऑन वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2018 ड्यू टू शिफ्टिंग कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 करेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया, 2001-02 का दिया है 100 रुपया, 2018-19 का दिया 280 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तीन गो एसेट्स है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 है। लाइट मारा के देखे तो ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर भी जरूर लिखिएगा, ठीक ना, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी है, P&M है, फिर लैंड है, और उसके बाद बिल्डिंग है, ठीक है, तीन एसेट्स था। पार्टिकुलर्स है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सेल प्रोसीड्स हम लोग को दे रखा है 10 लाख, 12 लाख और 12 लाख, ठीक ना, इसी को कंसंट्रेशन बोलेंगे। कंसंट्रेशन है कितना, 10 लाख है, 12 लाख है और फिर 12 लाख है। उसके बाद होगा लेस, एक्सपेंस ऑन सेल नील है, यह गया नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन लेस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू इतना, कॉस्ट अंडर सेक्शन इतना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख, 3 लाख और इतना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये परचेज हुआ है तो लेस करेंगे इंडेक्स और रिटर्न डाउन वैल्यू भी। कुछ ऐसे चीज है जिसका रिटेन डाउन वैल्यू लेस होगा, क्या रिटेन डाउन वैल्यू, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, क्या ये आपको क्या है मतलब कि इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेस। और यहाँ पे तो एनुअल इन्वेस्टमेंट 8 लाख किया गया है, लेस रिटेन डाउन वैल्यू
ऑन कितना है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2018 प्लांट एंड मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, 4,80,000 है, 4,40,000 है, ठीक है। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगती नहीं है, और इसका कितना है, 7,32,500 है, 7 लाख बिल्डिंग का 7,32,500 है। ये लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगती नहीं, इसे रिटर्न ऑन वैल्यू लेस नहीं होकर के इस पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा, फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है 3 लाख है, 3 लाख है, 2, 3, 4, 5 इंटू करेंट कॉस्ट कितना है, 280/100, 280/100 होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए तो कटेगा, 3,000 को 280 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 84 8,40,000 होगा, 8,00,000 अरे 3 लाख इसे मल्टी, 3 लाख जब है तो जब भी होगा इससे ज्यादा ही ना होगा, इसको लेस करेंगे तो 5,60,000 हुआ, ये लेस होगा तो कितना होगा, 4,03,00,000 हाँ दिया, लेकिन उसको लेस नहीं करेंगे, वो जिसमें डेप्रिसिएशन लेस होता है उसी का रिटर्न और वैल्यू लेस करेंगे ना। और ये हो गया 5, यानी कि होगा 4,67,500, ये हो गया गेन। अब लेस होगा, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54G हुआ, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट, देखिए इसलिए सेक्शन को आपको याद रखना है, ये याद रख, उसमें देखिए लिखा था, इसमें लिखा हुआ नहीं था। अब देखिए कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द, अमाउंट फॉर शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो देखिए यहां पर कितना हो रहा, 8 लाख हो रहा है, 4,00,000 और 5,00,000, 8 लाख है, 5 लाख है, कितना है, 5 लाख की 4 लाख, 4,00,000। अब देखो सब में लिखेंगे नील, ये क्यों, क्योंकि समझिए कि डिडक्शन से ज़्यादा छूट नहीं मिलता है, अमाउंट से ज़्यादा कभी डिडक्शन नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिखेंगे मैक्सिमम एग्जम्पशन अप टू गेन, यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं मैक्सिमम एग्जम्पशन अप टू गेन, जितना तक गेन देगा उतने तक मिलेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये हम लिख दिए हैं, मतलब जितना गेन होगा उससे ज़्यादा डिडक्शन मिलती नहीं, इसलिए लिख दिया मैक्सिमम डिडक्शन अप टू गेन, जितना तक प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है, ठीक है, और आप लोग वॉच करेंगे, और मैं एक बार और आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ कमेंट कर देंगे, और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में भी इश्यू होगा तो बताएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा तो होगा चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसमें अंडर सेक्शन 80G का पूरा मैप दिया हुआ है, पूरे मतलब डिस्क्रिप्शन से दिया हुआ, डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, तो मैंने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G क्या है
उसको ऑलरेडी करवा दिया हूँ, वीडियो को भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, बट अब ओनली और ओनली क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिडक्शन के बारे में एक बार मैं रिविजन करवा दूँगा और सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, ठीक है? ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।